नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दक्षिण चीन सागर में चीन की मनमानियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका की सेना एक बार फिर अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका की नौसेना दक्षिण चीन सागर में लगातार दूसरी बार युद्ध अभ्यास कर रही है। खास बात यह है कि इस बार अमेरिकी नौसेना के साथ उसके लड़ाकू विमान भी जंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चीन को ये इतना नागवार गुजर रहा है कि उसने उल्टे अमेरिका पर ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया है। देखिए अमेरिका की तैयारी कैसे पड़ रही है, चीन पर भारी। चीन की दादागिरी पर भारी सुपर पावर की युद्ध नीति। Last time you spoke with President Xi of China, and do you plan to speak with him in the near future? No, I haven't spoken to him. Well, no, I don't. I have no plan to speak to him. Yep. अमेरिका ने तैयार किया चीन को चित करने का ब्लूप्रिंट। आसमान से समंदर तक चीन के खिलाफ ट्रंप का चक्रव्यूह। दो ताकतवर मुल्क आमने सामने हैं। दो ताकतवर मुल्कों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका उसके बढ़ते कदमों में बेड़ियां डालने की तैयारियों में जुटा है। जमीन से लेकर समंदर और समंदर से लेकर पहाड़ की चोटियों तक अमेरिका ने चीन की घेराबंदी शुरू कर दी। चीन पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका मित्र देशों के साथ मिलकर एक घातक चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें फंसने के बाद चीन की हेकड़ी निकलनी तय। तो इस चक्रव्यूह की सबसे पहले शुरुआत होती है नीले समंदर में। दक्षिण चीन सागर में चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ना सिर्फ यहां अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, बल्कि सुपर पावर चीन को हद में रहने की चेतावनी देता भी नजर आ रहा है। अमेरिका के युद्धपोत अमेरिका के लड़ाकू विमान अमेरिका की फौज दक्षिण चीन सागर में लगातार युद्धाभ्यास कर रही है, जिसका मकसद साफ है, चीन तक ये संदेश पहुंचाना कि वो इस इलाके में कमजोर देशों को अपनी हनक के दम पर दबाने की कोशिश बंद कर। चीन इस समुद्री इलाके पर अपनी दावेदारी करना बंद कर। तो आपको बता दें कि अमेरिका के दो युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में दूसरी बार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। यूएसएस रोनाल्ड और यूएसएस निमित्ज युद्धपोत युद्धाभ्यास में शिरकत कर रहे हैं। इन दो युद्धपोतों पर 12,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इन पर तैनात 120 लड़ाकू विमान जंग की सूरत में चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। जुलाई के महीने में ये दूसरी बार है जब अमेरिका दक्षिण चीन सागर में इस तरह का युद्धाभ्यास कर रहा है।
कितना जो एयरबेस है जापान का, वहाँ से अमेरिकी जहाज़ों ने उड़ान भरी और उसके जो कोस्टल रीजन्स हैं या कोस्टल जो स्टेट्स हैं उन पे निगरानी करते हुए वो टोही विमान पूरी इन्फॉर्मेशन बिना चीन की बाउंड्री में घुसे लेकर आ गए। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है। अमेरिका दक्षिण चीन सागर पर अपना रुख साफ कर चुका है। अमेरिका ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि वो चीन को दक्षिण चीन सागर में अपना नौसैनिक साम्राज्य खड़ा नहीं करने देगा। तो सुपर पावर अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया और वियतनाम भी चीन को खुलकर चुनौती देने लगे हैं। सुपर पावर के साथ आने से इन देशों का हौसला बढ़ गया है और वो चीन की मनमानियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। It's not China's maritime empire. If Beijing violates the international law and free nations do nothing, then history shows that the CCP will simply take more territory. That happened in the last administration. So we will then go use the tools that we have available, and we will support countries all across the world who recognize that China has violated their legal territorial claims as well, or maritime claims as well. And we'll go provide them the assistance we can, whether that's in multilateral bodies, or whether that's in ASEAN, whether that's through legal responses. We'll use all the tools we can. दक्षिण चीन सागर पर चीन की दावेदारी बेमानी है और अमेरिका इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन मानता है। लिहाजा सुपर पावर अमेरिका ने एक बार फिर से चीन को चेतावनी दी है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर चीन अपनी करतूतों से बाज नहीं आया तो उसके अधिकारियों और कारोबारियों को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका हजारों सैनिकों को ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक पूरे एशिया में तैनात करने जा रहा है। जापान के निक्केई एशियन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की प्राथमिकता बदल गई है और अब अमेरिका जर्मनी में तैनात अपने हजारों सैनिकों को एशिया में तैनात करने जा रहा है। ये सैनिक अमेरिका के अलास्का, हवाई, गुआम, जापान और ऑस्ट्रेलिया स्थित सैन्य अड्डों पर तैनात किए जाएंगे। The U.S. statement ignores the history and objective facts of the South China Sea issue, violates the U.S. government's open commitment to the South China Sea's sovereignty issue, and violates and distorts international law. It intentionally stirs up controversy over maritime sovereignty claims, destroys regional peace and stability, and is an irresponsible act. पूरी दुनिया कोरोना नाम की महामारी से लड़ रही है लेकिन चीन पर अलग ही फितूर सवार है। चीन अपने नापाक अभियान को आगे बढ़ाने में लगा है। चीन जमीन से लेकर समंदर तक अपना झंडा गाड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है लेकिन दक्षिण चीन सागर में उसकी मनमानियों का असर आर्कटिक, हिंद महासागर, भूमध्य सागर के साथ दूसरे जलमार्गों पर पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका ने चीन को लेकर अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ आसियान देशों और भारत का साथ देने की ठान ली। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों से बड़े जल मार्ग पर असर पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका दक्षिण चीन सागर से हिमालय तक अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। जाहिर है लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर में चीन की कारगुजारियां किसी भी पल बड़े टकराव की वजह बन सकती है। चीन इन इलाकों में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है लेकिन अमेरिका उसे लगातार चुनौती दे रहा है। ऐसे में सवाल ये कि दोनों देशों के बीच का ये शीत युद्ध क्या विश्व युद्ध में बदल सकता है? दो राय नहीं कि चीन के खिलाफ दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के साथ कुछ और देशों का एक साथ आना जंग की आशंका को बढ़ा रहा है। चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उस पे लगाम लगा है और चीन के जो मंसूबे हैं उन पे पानी फिर गया है। अमेरिका ने ये साबित कर दिया है कि ये तीन जंगी बेड़े एक आर्मी का रूप रखते हैं। जाहिर है चीन के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे होने वाले हैं क्योंकि अमेरिका के साथ भारत भी अब चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है।
अगर चीन ने एलएसी पर अपनी हरकतें बंद नहीं की तो भारत दक्षिण चीन सागर में सक्रिय भूमिका निभाएगा। अमेरिका भी चाहता है कि इस मुद्दे पर भारत खुलकर उसके साथ आए। चीन को घेरने के लिए अमेरिका की कोशिश भारत, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को एक मंच पर लाने की है, यानी चीन का चक्रव्यूह में फंसना तय है। चीन विस्तारवाद की जिस नीति पर चल रहा है उसमें भारत और अमेरिका किसी रोड़े से कम नहीं, लिहाजा वो इन दोनों देशों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। लेकिन अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जहां भारत अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, वहीं अमेरिका ने भी चीन को धूल चटाने के लिए अपनी मिसाइल पावर बढ़ाने का काम शुरू किया है। अमेरिका ने अपने सुपर डुपर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसके बारे में 2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बताया था। आवाज से 17 गुना तेज रफ्तार से दुश्मन को तबाह करने वाली ये मिसाइल चीन के लिए कितना बड़ा सिरदर्द साबित होगी, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अमेरिका ने तेज किया सुपर डुपर मिसाइल बनाने का काम। अमेरिका की सुपर डुपर मिसाइल की आहट से सहमा चीन। I call it the super duper missile, and I heard the other night 17 times faster than what they have right now. Then you take the fastest missile we have right now. You've heard Russia has 5 times, and China's working on 5 or 6 times. We have one 17 times, and it's just gotten the go ahead. 17 times faster, if you can believe that, General. That's something, right? 17 times faster than what we have right now. करीब 2 महीने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर सुपर डुपर मिसाइल बनाने का ऐलान किया था। 2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया था कि जल्द ही अमेरिका एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा जिसका तोड़ चीन क्या रूस के पास भी नहीं होगा। तो अब जो खबरें आ रही हैं उससे चीन की घिग्गी बंद गई होगी, क्योंकि बहुत जल्द अमेरिका की मिसाइल पावर में बड़ा इजाफा होने वाला है। दूर बैठे दुश्मन को तबाह करने की एक ऐसी सलाहियत सुपर पावर के हाथ लगने वाली है जिससे मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। अमेरिका से आ रही खबरों के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में चीन से चल रहे विवाद के बीच अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि यानी आवाज से 17 गुना तेज है। अमेरिकी सेना ने इस सुपर डुपर हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण की जानकारी दी है। इससे पहले इस मिसाइल का परीक्षण इसी साल मार्च में प्रशांत महासागर में किया गया था। बहुत आधुनिक हथियार जो है अमेरिका ने अनाउंस किया है। जाहिर सी बात है इस स्पीड का हथियार पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, और चाइना जिसने अक्टूबर पिछले साल अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की नुमाइश करी थी परेड में, वो अब कहीं ना कहीं घबरा गया होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड वाली मिसाइल पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। अमेरिका चीन और रूस को टक्कर देने के लिए अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है, तो उसके निशाने पर सबसे ज्यादा चीन है, क्योंकि चीन अमेरिका पर बढ़त हासिल कर उससे सुपर पावर की गद्दी छीनना चाहता है। इसके लिए वो घातक हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। चीन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा है और इन्हीं मिसाइलों के दम पर अमेरिका से भिड़ने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन उसका ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। अमेरिका ने सुपर डुपर मिसाइल के रूप में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लगभग तैयार कर लिया है जिसकी जद में पूरा चीन आ जाएगा। वजह है सुपर डुपर हाइपरसोनिक मिसाइल की खूबियां। हाइपरसोनिक मिसाइल हवा में काफी ऊपर से सटीक निशाना लगा सकती है। ये मिसाइल 1600 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम है। सुपर डुपर हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये अमेरिकी सेना में शामिल टॉमहॉक मिसाइल से 10 गुना तेजी से टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल रडार को भी चकमा दे सकती है। इसकी स्पीड ध्वनि से बहुत तेज होती है, क्योंकि इसमें ड्रैग बहुत कम है और ये अपर एटमॉस्फेयर में जाके ये स्पीड एक्वायर करती है,
और बहुत हाई मैनोवरेबिलिटी होती है और ये एंटी शिपिंग एंटी मिसाइल के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। इसका कोई दुनिया में तोड़ नहीं है। चीन और रूस समेत दुनिया के देश ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका कहीं आगे की तैयारियों में जुटा है। अमेरिका के डिफेंस रिसर्च एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मार्क लेविस ने पिछले दिनों दावा किया कि अमेरिका अगले 4 साल में ऐसी 40 हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण करेगा। यही नहीं, अमेरिका जल्द ही एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण भी कर सकता है। हालांकि ये मिसाइल परमाणु शक्ति से लैस नहीं होगी। 17 मिसाइल और उसके एसोसिएटेड हाइपरसोनिक मिसाइल पे काफी काम कर रहा है। जाहिर सी बात है कि वो जो उसने दुनिया के सामने अक्टूबर के महीने के अंदर जो उजागर किया था उससे उसमें कई कमियां हैं और उनको दूर करने के लिए वो अभी उस पर शोध कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें आमतौर पर ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेजी से टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। इन्हें काफी ऊंचाई से दागा जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर 2019 में ही अपने रक्षा बेड़े में पहली हाइपरसोनिक मिसाइल एवनगार्ड को शामिल करने का ऐलान किया था। वहीं चीन ने रूस से 2 महीने पहले अक्टूबर 2019 में अपने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की जानकारी दी थी। लिहाजा इन दोनों देशों से मुकाबला करने के लिए अब अमेरिका भी हाइपरसोनिक मिसाइलों का बेड़ा तैयार कर रहा है। भारत चीन सीमा पर हमारे जवान दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए मुस्तैद हैं। उनका जोश और जज्बा देखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद LAC पर पहुंचे। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में हमारे जवानों ने जब थल से नब तक ऐसी हुंकार भरी जिसकी गूंज से ही दुश्मन थर्रा उठा। इसमें थल सेना वायु सेना के साथ लद्दाख स्काउट्स के जवानों ने अपनी जांबाजी से सबको चौंकने के लिए मजबूर कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC के फॉरवर्ड इलाके लुकुंग में जवानों को संबोधित भी किया और चीन का नाम लिए बिना उसे यह संदेश दे दिया कि भारत की 1 इंच जमीन भी दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। सरहद पर हुआ सिंहनाद, सरहद पार मचा हाहाकार। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया। LAC पर गरजे हिंद के जांबाज, कांप उठे LAC पार बैठे दुश्मन। यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहे। थल से नब तक भारत ने दिखाया दम। देख ले दुश्मन, तैयार हैं हम। ये सरहद पर हमारे वीर जवानों की जाबाजी की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के बाद सरहद पार बैठे दुश्मनों की नींद उड़ गई है। हमारे जवानों ने अपनी हिम्मत और हुनर का ये प्रदर्शन उस वक्त किया जब रक्षा मंत्री खुद उनके बीच पहुंचे थे। LAC पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन विवाद के बीच भारत की सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया और जवानों का हौसला बढ़ाया। राजनाथ सिंह ने भारत चीन विवाद का केंद्र बनी पेंगोंग झील के फिंगर फोर से महज 40 किलोमीटर दूर लुंकुंग में सेना के जाबाजों से मुलाकात की। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए राजनाथ सिंह ने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया और उपहार बांटे। जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने दुश्मन को साफ साफ ये संदेश दे दिया कि भारत बातचीत के लिए भी तैयार है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी मुस्तैद है।
रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में दुश्मन को जितना साफ और कड़ा संदेश दिया, हमारे जवानों ने भी ठीक उसी तरह दुश्मन को यह दिखा दिया कि वो सीमा पर पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में लद्दाख में इंटीग्रेटेड कंबाइंड फोर्स ने पराक्रम दिखाया, साथ ही भीष्म T-90 टैंक की गरज भी सुनने को मिली। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद पीका मशीन गन संभाली और स्पेशल फोर्स के कमांडो ने आसमान से छलांग लगाई। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में हमारे कमांडो ने 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से छलांग लगाई और दुश्मन को ये दिखा दिया कि कैसे वो जरूरत पड़ने पर बाज की तरह झपट्टा मार सकते हैं। जवानों के इस हुनर और हिम्मत को देखने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही कहा कि सीमा पर हमारे प्रहरी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हैं। जवानों के इस हुनर और हिम्मत को देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन कोई उसे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल न करे। जवानों के पराक्रम के प्रदर्शन के दौरान रक्षा मंत्री के सामने पीका मशीन गन लाई गई, जिसे देखकर राजनाथ सिंह भी शायद खुद को रोक नहीं पाए और खुद इसे आजमाने लगे। पीका मशीन गन बेहद हल्की होने की वजह से काफी कारगर मानी जाती है और LSC पर तो इसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, क्योंकि इसका वजन लगभग 9 किलोग्राम होता है और यह 3000 मीटर तक लक्ष्य भेदने में माहिर है। पीका मशीन गन से एक बार में 600 राउंड फायर किए जा सकते हैं और ये हर मौसम में हमला करने में कारगर होती है। यही नहीं, इसे किसी भी सैन्य वाहन में आसानी से फिट किया जा सकता है और इसे एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यह मानता हूं अपने सेना के जवानों के संबंध में कि वह केवल एक सेना के बहादुर जवान ही नहीं है, बल्कि वह सचमुच भारत की आन बान और शान है। सीमा पर दुश्मन को जवाब देने और सरहदों के पहरे के लिए LSC पर भीष्म T-90 टैंक भी मौजूद है। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में इस टैंक का भी शक्ति प्रदर्शन हुआ। रक्षा मंत्री के सामने टैंक के दस्ते ने दिखाया कि वो कैसे दुश्मन के घर में घुसकर उनके बंकर को तबाह कर सकते हैं। भीष्म T-90 दुनिया का सबसे हल्का टैंक, जिसका वजन सिर्फ 48 टन होता है। ये टैंक रात में भी दुश्मन पर वार कर सकता है और मिसाइल हमला रोकने में कारगर है। इस टैंक में 125 मिलीमीटर की गन लगी होती है और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। हमारी सेना की इस ताकत को देखकर किसी भी भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और ये सभी प्रहरी भारत चीन सीमा पर हमारे सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए 24 घंटे तैनात। चीन के गलवान के धोखे के बाद भारत ने उसे एक साथ कई मोर्चों पर घेरा। सीमा पर हमारे जांबाज जवानों ने चीन को सबक सिखाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति के शिकंजे में चीन को ऐसा जकड़ लिया कि उसके पास LSC छोड़कर भागने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया और दुश्मन को यह बता दिया कि सीमा पर हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। LSC का दौरा करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे श्रीनगर पहुंचे और अब वो LOC पर जवानों से मिलने पहुंचेंगे। इस तरह भारत को दो मोर्चों पर घेरने की दुश्मन की साजिश का भी जवाब दिया गया और दुश्मन को ये बता दिया गया कि भारत दोनों ही मोर्चों पर एक साथ पलटवार करने की ताकत रखता है। LSC पर हिंद के जवानों ने दिखाया दम। लेह में रक्षा मंत्री की मौजूदगी में सेना की ललकार। थल से नभ तक जवानों ने दिखाया दम।
लेह में रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भीष्म टैंक और मशीन गन का जौहर तो देखने को मिला ही। इसके बाद आसमान में भारत ने अपना दम दिखाया। टैंक और मशीन गन अगर जमीन पर दुश्मन को जवाब देने के लिए तैनात हैं, तो आसमान में भी हिंदुस्तान के प्रहरी डटे हुए हैं। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में आसमान में अपाचे और Mi-17 ने अपना दम दिखाया। अपाचे दुनिया का सबसे अच्छा अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। भारत ने यह हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदा है, जबकि Mi-17 परिवहन हेलीकॉप्टर है जिसे दुर्गम इलाकों में सैनिकों और उनकी जरूरतों का सामान पहुंचाने में इस्तेमाल किया जाता है। LAC पर दुश्मन का मुकाबला करने के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती है उन दुर्गम इलाकों में सैन्य साजो सामान को पहुँचाने की। इसके अलावा जवानों की रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा करना बेहद जरूरी है। यहाँ मौसम का मुकाबला करने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। इस जरूरत को पूरा कर रहा है Mi-17 हेलीकॉप्टर। Mi-17 हेलीकॉप्टर दुर्गम इलाकों के लिए खास तौर पर बना हुआ है और ये खराब मौसम में उड़ान भर सकता है। इसकी मदद से सैनिकों को दुर्गम इलाकों में पहुंचाया जा सकता है। यही नहीं, राहत और बचाव में भी इसका इस्तेमाल होता है। Mi-17 के अलावा LAC पर अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी मुस्तैद है। अपाचे को दुनिया के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टरों में से गिना जाता है। इसकी मदद से दुश्मन पर अचानक धावा बोलने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही ये निगरानी के लिए भी काफी कारगर है। अपाचे हेलीकॉप्टर से एंटी टैंक मिसाइल छोड़ी जा सकती है। इससे दुश्मन पर 1200 राउंड फायर किया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और दुश्मन के रडार में भी नहीं आता। लद्दाख के लुंगकुंग में राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ साथ गलवान के शहीदों को भी याद किया। रक्षा मंत्री ने फिर दोहराया कि उन जवानों के खून का एक भी कतरा व्यर्थ नहीं जाएगा। लेह में जवानों से मुलाकात कर रक्षा मंत्री ने पूरे हालात का जायजा लिया और इसके बाद श्रीनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री LOC के फॉरवर्ड इलाकों का दौरा करेंगे और सुरक्षा इंतजाम का जायजा लेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे और कोर कमांडरों के साथ मीटिंग भी करेंगे। साथ ही राजनाथ सिंह अमरनाथ के दर्शन करेंगे और यात्राओं को लेकर सुरक्षा इंतजाम भी देखेंगे। रक्षा मंत्री का पहले भारत चीन सीमा पर पहुंचना और फिर उसके अगले ही दिन भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा करना दुश्मन के लिए संदेश है कि अगर वो भारत के खिलाफ दोहरा मोर्चा खोलने की साजिश रच रहा है तो भारत ना तो इससे बेखबर है और ना ही भारत की तैयारियों में कोई कमी है।